अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एम एच एवियरी। तो जैसे कि ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है बर्ड्स की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन सभी पेयर्स के एग्स आ चुके हैं, एक दो पेयर छोड़ के। एक दो पेयर रह गया, वो एक तो यंग पेयर है और दूसरे में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से अभी उसके एग्स नहीं आए हैं और जैसे ही आते हैं इंशाल्लाह दिखाएंगे। बाकी और पेयर की क्या एक्टिविटी चल रही है, कितने एग्स आए हैं और क्या अभी तो देख दो, हैचिंग तो मैचिंग में तो अभी टाइम है, अभी तो स्टार्टिंग है। तकरीबन किसी पेयर के एग को 10 दिन हुए हैं, किसी के कम भी टाइम है। बाकी कैसे थोड़ा सा इस टाइम वो दिखाते हैं हम आपको इंशाल्लाह, आप आखिर तक देखेंगे बहुत मज़ा आएगा और रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह। यह है तुम्हारे भाई का सेटअप, छोटा सा सेटअप है। शुरू करते हैं पहले पेड़ से जो सेबल्स का पेड़ है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। ये फीमेल है जो अंदर थी और ये एग्स दे चुकी है और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह 4 एग्स हैं इसके भी आए हैं, फोर्थ एग्स इसने आज ही दिया। और चलते हैं अपने दूसरे पेयर की तरफ जो कि पार ब्लू इंटू पार ब्लू का पेयर है। अल्हम्दुलिल्लाह 7 अंडे लेके बैठी है फीमेल ही है, अभी पता नहीं मैंने चेक नहीं किया, तकरीबन 3 से 4 एग्स इसके फर्टाइल भी हो गए हैं अभी। बाकी देखते हैं कितने क्या प्रोसीजर रहता है। चलते हैं अपने अगले पेयर की तरफ जो कि चिक मास का पेयर है और यंग पेयर है बिल्कुल, अभी ही सीज़न ही लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके भी 3 अंडे आ चुके हैं, वो फीमेल बैठी है और ये आपका मेल है। चलते हैं अगले पेयर की तरफ जो ग्रीन अपलाइन रोजी का पेयर है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके भी 5 अंडे आ चुके हैं। ये एज ए फोस्टल लगा हुआ है हमारे पास और अभी आज ही अगल में इसके भी नीचे किसी रिंग वाले बोर्ड के एग्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। चलते हैं अपने अगले पेयर की तरफ जो कि ग्रीन अपलाइन रोजी का पेयर है, ये सीज़न ही लिया है और इसने 3 ही अंडे रखे हैं, बाकी इसके एग्स तो फर्टाइल हुए नहीं। हम इसके नीचे मॉर्निंग के दूसरे वाले फर्टाइल एग्स रख कर देखेंगे क्या रिज़ल्ट रहता है। अगर ये बच्चे सही पालेंगे तो इनसे ऑफस्प्रिंग अच्छे पेयर्स की कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। ये हमारा ऑरेंज हाफ कट ऑरेंज फेस का पेयर है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके भी 5 एग्स आ चुके हैं। इसके नीचे ये भी हमारा फोस्टर ही यूज़ होगा। देख सकते हैं वो फीमेल बैठी हुई है। चलते हैं अगले पेयर की तरफ जो कि एल्बाइनो इंटू डेकिनो लगा हुआ है, माशाल्लाह साइज़ देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं और इनके भी लगभग 2 एग्स आ चुके हैं। ये हमारा ग्रीन ऑफलाइन इंटू ग्रीन ऑफलाइन का पेयर, ये भी अंडे लेके बैठा हुआ पेयर और अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी एग्स कंप्लीट कर दिए हैं, 5 अंडे लिए हैं इन्हें और फर्टाइल भी हो गए हैं काफ़ी। अब इसके अंडे किसी नॉनिंग के पेयर के नीचे फोस्टर करेंगे इंशाल्लाह कल वाले। अच्छा ये पेयर है जिसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है हमारे साथ, इस मेल को हमने ये लुटिनो फिशर फीमेल दे दी थी बट उसकी एज कंप्लीट नहीं थी जिसकी वजह से वो एग्स पर नहीं आ रही थी। और जब मैंने उसका डीएनए को वेरीफाई करा थोड़ा सा और एज को बारे में जाना तो उससे पता चला कि वो एज अभी उसकी कंप्लीट नहीं है। तो ये वाइट बुल की फीमेल इसी के साथ पिछले सीजन ब्रीड हुई है मेरे पास, तो मैंने इसको वाइट बुल ही दे दी, मैंने कुछ निकलने से चाहे कुछ तो काम होगा। तो ये पेड़ अल्हम्दुलिल्लाह चलो देख सकते हैं आप कितनी हेल्दी है वाइट बुल भी और ब्रीडर फीमेल है हमारे यहाँ पुरानी। और देखते हैं बाकी तो नहीं, इसने तो कोई एग्स वैक्स दिए नहीं है अभी,
अभी नेस्ट बनता है इनका। चलते हैं अगले पेयर की तरफ जो कि वायलेट पार ब्लू मेल है, वायलेट पार ब्लू की फीमेल है, वायलेट ईवी का मेल है, यंग पेयर है। और इनकी भी मेटिंग कल मैं जब ऊपर आ रहा था तो मेटिंग देखी थी मैंने इनकी, बट अभी इनका नेस्ट बना रहे हैं। ये यंग पेयर है इसकी वजह से थोड़ा लेट सवेर हो गई थी, इंशाल्लाह इनके अनकरीब ही एग्स देखने को मिलेंगे। चलते हैं अपने अगले पेयर की तरफ जो ब्लू योविंग स्प्लिट टॉप लाइन का मेल है और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। माशाल्लाह इसमें नेस्ट बहुत ज़बरदस्त करके बनाया हुआ, आगे पूरा शेड लगा हुआ है। अंदर देखते हैं, माशाल्लाह इसने 4 दिए हुए हैं, पहला अंडा इसका फर्टाइल हुआ है। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है, ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फीमेल है ये, देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे क्या रिज़ल्ट देखने को मिलता है हमें। और बाकी ये पेयर तो हमारा ऑफलाइंस का है तो अभी इसकी एज कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए अभी हमने इसको ब्रीड पे लगाया भी नहीं है। और चलते हैं, अच्छा ये एक पेयर हमने आपको दिखाया था कि हम होंगरोमो का मेल है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए फ़ीमेल मिल गई है, कल ही हमने इसकी फ़ीमेल छोड़ी है। अब इनका बॉन्ड हो जाए तो इनके लिए भी बॉक्स या मटकी हम प्रोवाइड कर देंगे। माशाल्लाह देख सकते हैं एडल्ट फीमेल ढूंढ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें एडल्ट फीमेल मिल चुकी है। अब माशाल्लाह क्रस भी अच्छा है, फ्लावर भी अच्छा है, वो मेल है, ये फीमेल है। फीमेल लाइट कलर में मिली है हमें, इतनी डार्क कलर में कोई फीमेल मिल नहीं रही थी। चलिए फिर भी देखते हैं। बाकी ये पेयर हमने सेपरेट कर दिया है, सेमी एडल्ट का पेयर है, डेकिनो का मेल है, अल्बाइनो की फीमेल है, जो बड़े हमारे फ्लैट केज में पड़ा हुआ था। अभी हमने इसको सेपरेट कर दिया है कि इनकी बॉन्डिंग भी हो जाएगी और ये जब जैसे ब्रीड के लिए तैयार होंगे तब हम इसे ब्रीड कराएंगे, बट अब ये एज कंप्लीट नहीं होने की वजह से हमने इनको बॉक्स नहीं दिया है। जैसे ही एज कंप्लीट होगी तभी हम इनको बॉक्स देंगे। और ये हमारे कुछ पीस हैं जो कि ये वॉलेट फिशरी है, इसके लिए कोई मेल की तलाश है, नहीं तो ग्रीन ऑफलाइन से लगाएंगे फिर एक उसके एग फोस्टर करके फिर इसको लगाएंगे, नहीं तो वो लुटिनो फिशर ये है जो हमने वाइट बुल से लगा दी थी। माशाल्लाह साइज़ बहुत प्यारा है इसका, बट अभी इसकी एज कंप्लीट ना होने की वजह से ब्रीड नहीं कर पाई। चलो खैर कोई नहीं, कुछ दिन बाद टाइम जैसे इसकी एज कंप्लीट होगी तब इसको रिटर्न लगा देंगे। अच्छा यहाँ एक एल्बाइनो का मेल पड़ा हुआ है, इसकी शायद आँख में थोड़ी बहुत दिक्कत है, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बेहतर है पहले से, बट इसकी थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, आई में इन्फेक्शन हो गया था, मेडिसिन वेडिसिन देना, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है पहले से। तो ये थे भाई कुछ पेयर्स जिनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमने आपको दिखाई और इंशाल्लाह बेहतर रिज़ल्ट आए इस बात की दुआ कीजिएगा हमारे लिए, क्योंकि एग्स पर तो तकरीबन सभी पेयर आ चुके हैं, सिर्फ एक या दो पेयर को छोड़ के, जो एक पेयर हमारा यंग है और दूसरा पेयर हमने लेट हो गए थे उसमें कन्फ्यूजन में, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग बदलने में, तो उसकी वजह से माशाल्लाह इसकी बॉन्डिंग देखा हम ब्लू अप्लाइंस की, इनकी भी ज़बरदस्त बॉन्डिंग है आपस में वैसे तो, बट एज कंप्लीट ना होने की वजह से हमने इसको पेयर अप नहीं किया हुआ है। दोनों एक दूसरे के पास बैठ रहते हैं और खुजाते रहते हैं। चलिए जैसे इसकी एज कंप्लीट होगी तब हम इसको ब्रीडिंग पे लगाएंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से, जैसे कि आज 25 तारीख है, तकरीबन 2 या 3 तारीख से चिक्स आने स्टार्ट होंगे, फिर दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।